मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गावे मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गावे साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है मांगू मैं अब क्या रब से पाया है तुझको जब से इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां एक खुदा को पढ़ो कल माया मैं दुआ दूं दोनों ही एक खुदा मोहब्बत मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए वो जरूर नुकसान पहुंचाएगी भाभी और ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है मैं हमेशा उसके लिए इतनी मनहूस साबित हुई हूं अगर नुकसान पहुंचने से पहले इंसान को अपनी तकदीर का पता चल सकता तो शायद आज तक किसी को नुकसान पहुंचता ही नहीं अभी उसे नहीं छोड़ेंगे मुझे अपनी फिक्र नहीं होती मुझे उसकी फिक्र बस दुआ करो कि शाहजी के पहुंचने से पहले वो कहीं दूर चला जाए उनके हाथ ना आए माई ये क्या किया है तूने ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे हरगिज़ अम्मी जी माही की कोई गलती नहीं है वो तुम चुप रहो आज माही की जो भी हालत है उसकी जिम्मेदार तुम भी हो सोचो जरा अगर जागीरदारनी जी को पता चल गया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी मुझे ये भी ख्याल नहीं आया माही आज तक मैं आप लोगों की इज्जत और गैरत की सोली तो चढ़ती आई हूं आज भी मैंने फंदा विले में डालने से इनकार नहीं किया चढ़ा थे मुझे भेंट कब से जानती है उस लड़के को आप क्या कर लेंगी जानते मैं वहां उसे सिर्फ ये बोलने के लिए गई थी वो यहां से चला जाए क्योंकि इन इज्जत की चार दीवारों में और गैरत की ऊंची फतीलों वाली हवेली की मोहब्बत को पहचानने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पर सबको सिर्फ अपनी पड़ी है सबको अपनी इज्जत का ख्याल है सब बस ये चाहते हैं कि उनकी सफेद चादर पर कोई दाग न लग जाए अपनी मर्जी से सिकंदर से शादी के लिए हाँ की थी तूने कोई जबरदस्ती नहीं की थी हमने आज जब शादी के दिन करीब है तो ये कह रही आपसे कुछ नहीं कह रही अम्मी मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए क्योंकि आज वो जिस हाल में है वो सिर्फ मेरी वजह से अगर कोई कसूरवार है तो वो मैं हूं अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो मुझे मिलनी चाहिए मम्मी उसे बख्श दीजिए
मैं तुमसे एक वादा जरूर करूंगी फरहाद, इस जहान में हमारा मेल मुमकिन नहीं, लेकिन उस जहान में मैं सिर्फ तुम्हारा साथ मांगूंगी अपने मालिक से। लाहौर से चला आ रहा था ये सिलसिला, वो बहावलपुर तक पहुंच गया, हमारी हवेली में आ गया और तुम लोगों ने कानों कान खबर नहीं दी। और ये फकीरा, इस चंडालनी को तो सर मुंडवा कर इसे मैंने। फकीरा की कोई गलती नहीं है अम्मी जी, वो तो बस माही की मोहब्बत में मजबूर। माही की मोहब्बत, और जो सारे खानदान में इज्जत डबोने चली थी उसका क्या? गलती हो गई अम्मी जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं हुआ कि माही की छोटी सी शरारत बढ़ते बढ़ते इतनी आगे बढ़ जाएगी कि वो घर तक ही पहुंच जाएगा। माफ कर अम्मी जी, माफ कर। तुम्हें माफ करने से क्या होगा, मसला हल हो जाएगा। नाजिम शाह को नहीं जानती क्या, उसके सर पे खून सवार है, कुछ ना कुछ करके ही दम लेगा। और अगर सिकंदर के घर तक बात पहुंच गई तो जानती क्या, एक बार फिर माही घर बैठी रह जाएगी, एक बार फिर सुहागन बनने से पहले घर उजड़ जाएगा उसे। नहीं जाती थी तो? नहीं नहीं, खुदा ना करे ऐसा हो, उसको तो मेरी भी खुशियां लग जाए। माही भी पसंद करती है उस लड़की को, उसने कभी भी खुलकर ये बात नहीं की, लेकिन सच यही है, माही को तैमूर से शादी से पहले ही फरहाद से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास बहुत देर बाद हुआ। अल्लाह, ये लड़की क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी? तुम तो अकलमंद थी, तुमने क्यों नहीं समझाया उसे कि मखमल में टाट का पैबंद लग सकता है, पर हमारे खून में किसी कमतर का खून शामिल नहीं हो सकता। नस्लों से यही होता चला है। माही ने ये कुर्बानी देने का फैसला पहले ही कर लिया था मुझे, वो उसे यही कहने गई थी कि वो यहां से चला जाए। अब वो यहां से जाना भी चाहे तो नाज़िम शाह इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देगा। मैं देखता हूँ सर। तो तू मलंग का सवांग रचा कर यहां छुपा बैठा है।
और राम खोर एहसान फरामोश नमक हराम। शायद तू जानता नहीं कि मैं नमक हराम लोगों के साथ क्या सलूक करता हूं। तेरे जिस्म के 100 टुकड़े करूंगा और हर टुकड़े की 100-100 बोटियां करके इलाके के आवारा कुत्तों को डाल दूंगा मैं। एक मरे हुए आदमी को मारने के लिए इतनी मशक्कत करने की क्या जरूरत है? आप मुझे मेरा कसूर बताइए, मैं खुद जाके लटक जाऊंगा। भगवत, इतना तू भोला कि तुझे पता नहीं तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तू पीर नाज़िम शाह की इज्जत पर नजर डाले। मैंने आपकी इज्जत पे कभी भी नजर नहीं डाली, मैंने आपको हमेशा इज्जत दी है। माही यहां क्यों आती है? ये सवाल आपने उससे खुद क्यों नहीं पूछा? सवाल जवाब का वक्त हुआ खत्म। पर नहीं शाहजी, शाहजी मजार है शाहजी, और यहाँ के लोग बहुत जज्बाती हैं। कल को मुजहरे और वोटर्स ने कहना है कि शाहजी ने मेहते को मजार पे गोली मार दी। देख लेंगे शाहजी, सही वक्त और सही मुकाम पर देख लेंगे। चंद सांसें हैं तेरे पास, और इन सांसों को भी मेरा एहसान मान। खुदा की कसम ज्यादा दिन नहीं जिएगा तू। काका तुम गए नहीं अभी तक? नहीं, आपने ही कहा था तभी जा पाऊंगा जब जाना लिखा होगा। शायद मेरी तकदीर की लिखत के कुछ पहरे बाकी हैं अभी। तो इश्क की सख्तियों से घबराते हो? नहीं, लेकिन मैं डरता हूं कि मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो उसे। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये बात कभी ना कभी तो खुलनी थी, सो खुल गई। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, और ऊपर से तुम इस इश्क का एक चलता फिरता इश्तेहार। भाई यार, किसने नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उसको कोई तकलीफ पहुंचे? पता नहीं कैसे पेश आ रहे होंगे उसके साथ वो सब लोग। उसको इस भंवर में अकेला नहीं छोड़ सकता। भंवर तो आएंगे, तूफानों से पाला भी पड़ेगा। काका, समंदर में रहने वाले ऐसे लवाजमात से घबराया नहीं करते। मुझे अपना डर नहीं है, उसका डर है। बहुत नाजुक है। उसके अंदर इन तूफानों से लड़ने की ताकत नहीं है। हर तूफान माही के लिए एक नई ताकत लेकर आता है।
अगर उसने तूफान भेजा है तो पार लगाने के लिए पतवार भी वही भेजेगा, वही भेजेगा, वही भेजेगा। क्या हुआ? तुम जब से वहां से आई हो यूं गुमसुम हो, क्या फिक्र खाए जा रही है तुम्हें? दिल घट सा रहा है मेरा, जिस तरह जाते जाते उसको वो पलट कर देख रही थी, उसकी वो एक नजर सब कुछ जलाकर भस्म कर देने के लिए काफी है। मुझे भी जलाकर राख कर गई वो। मैं तो समझ रही थी कि तुम्हारा दिल बहुत खफा होगा उसकी तरफ से, उसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारी मोहब्बत पर डाका डालकर खुद वो हवेली की बहू बनने जा रही है और तुमों के नहीं। चंदा जी, वो भला किसी के हक पर क्या डाका डालेगी, वो तो खुद पूरी तरह लुट चुकी है। और सिकंदर साई, कौन जाने मेरा उन पर कोई हक था भी या नहीं। एक बात बताऊं, जिस तरह वो उसको देख रही थी ना, उसके सामने मेरा इश्क बहुत छोटा लगा मुझे, बहुत मामूली। इश्क तो उसने किया है, खुद को पोर पोर जलाकर खत्म कर डाला है उसने इस इश्क, और अब भी उसमें इतना हौसला बाकी है कि वो खुद कुर्बानगाह तक चलकर जाने के लिए तैयार है। तो क्या तुम उसे कुर्बान हो जाने दोगी रुमाना बेगम? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर उस लड़की की मोहब्बत इतनी सच्ची है कि तुम्हें खुद को अपना आप उसके सामने छोटा लग रहा है, तो फिर तुम उस लड़की को उसकी मोहब्बत दिलाने में मदद क्यों नहीं कर देती उसकी? क्यों उसे कुर्बानी की भेंट चढ़ते हुए देख रही हो? तुम जाओ, जाओ जाके साई सिकंदर को बता दो कि वो अनजाने में किसी की जिंदगी खराब कर रहा है, किसी की मोहब्बत पर डाका डाल रहा है अनजाने में। और सिकंदर साहिब मेरी बात पर क्यों यकीन करेंगे? इसे एक दिल जली का हसद भरा शिकवा और ताना ही तो समझेंगे वो। उस शरीफजादी पर एक घिनौना इल्जाम लगाने वाली समझकर नफरत करेंगे मुझसे वो। जो तुम्हें मोहब्बत ना दे सका उसकी नफरत से क्या डरना? बाहर आ, जो तुम्हें बेहतर लगे। ऐसे मेरा ख्याल है कि जिसे अपनी मोहब्बत ना मिले उसे दूसरों की मोहब्बत का ज्यादा पास होना चाहिए, नहीं? ओए नूरे, इस मामले को और कितना लंबा खींचेगा तू? और मेरा खून खौल रहा है, और कितना इंतजार करवाएगा तू? रिजाना पर कुर्बान शादी, लेकिन इलेक्शन का वक्त है और ये इलाका भी आपके लिए नया है। यहाँ के लोग थोड़े जज्बाती किस्म के हैं, बड़े मज़ारों का बड़ा एहतराम है इनके लिए। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो इलेक्शन में मसला हो जाना चाहिए। और एक सीट के लिए बेगैरत बन जाऊं मैं?
इतना कमजोर समझ रखा है मुझे तूने। शाहजी बेफिक्र हो जाए, जैसा आप जा रहे हैं वैसा ही होगा। और लेकिन कब होगा? कब तक यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे हम? शाहजी आपसे इजाजत चाहिए थी, दिलावरे को बुलाना है। दिलावरे को क्यों? शाहजी वो वायद आदमी है आपके नमक ख्वारों में, जिसको ना किसी ने कोई देखा है और ना कोई जानता है। खामोशी से आकर अपना काम करेगा और 4-6 महीने अपने आबाई इलाके में मफरूरी काट लेगा। जब मामला ठंडा होगा वापस बुला लेंगे। ठीक कह रहा है तू, बुला उसे, लेकिन उसे ये मत बताना कि उसे फरहाद को खत्म करने के लिए बुलवाया जा रहा है। सारा काम बड़ी राजदारी से होना चाहिए। जो हुक्म शाह, मैं जाऊं। ठीक। साई वो ऐसा जो साहब आए। हाँ बोला। आ जाए। सलाम साई। वालेकुम सलाम अनवर, खैरियत? जी साई सब खैरियत। आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी लेके आया तो सुना क्यों नहीं रहे? देर किस बात की है? देर सवेर तो सही, पर आपका काम करके आया हूँ। वो रुमाना बेगम का ठिकाना ढूंढ लिया है। वाह, कहाँ थी वो? जी साईं, इस पर सारा पता दर्ज है। छुपने के लिए बड़ा गुमनाम इलाका ढूंढा था उन्होंने, पर आपकी हिदायत के मुताबिक बड़ी राजदारी बरती गई है, ताकि ये सब कुछ जानकर वो फिर कहीं खुद को गुमना कर ले। अच्छा साईं, मुझे इजाजत दे, फिर किसी रोज हाजिरी दूंगा। जान मांगा, यहां सामने रख दूंगा। वापस जाने का मत बोलना। मैंने इस बात को मान लिया है कि तुम मेरे मुकद्दर में थी ही नहीं। कितने दर्द ले आए हैं हम तो तेरी चौखट से, अपने गम छुपा लेंगे हम झूठी मुस्कुराहट से। मैं क्यों चाहूंगा कि तुम खुद से शर्मिंदा रहो? अगर इसमें तुम्हारी खुशी है कि मैं यहां से चला जाऊं तो मैं चला जाऊं। तेरा रहता है आंख से छलक जाए तो प्यार तेरा बहता है।
मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। वो वही मुझे उससे एक बात करनी थी, करना दिल की बात दिल में ही ना रह जाएगा। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मुझे तुमसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी फरहाद, मेरे रास्ते से हटो और फिर कभी ना आना। नहीं माही, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरी बात सुनो प्लीज। मैं मेरे रास्ते से हटो। रोग मेरा बढ़ता जाए कोई तो संभाले ना, राहत मिले अब हमको दिल के दहकने में, मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। सिकंदर साईं है ना जी? ना सिकंदर साईं तो बाहर गए हैं, तो सा वड़ी बीबी सैन को मिल गई नो। साईं ने वादा किया था माली इमदाद का, मैं फिर आ जाऊंगी। तो सा बीबी सैन को मिल गई नो जी, वो भी बहुत मदद करेंदे हैं। रशीदा जी, बीबी सैन जी। कौन है? बीबी सैन एक बुलानी है जी, आदि है जो सिकंदर साईं को मिलना है। बुला के लिया। जो हुक्म सर। अरे बहन, अरे बहन, ओ मेरी गाल तो सुन। आइदे आ, ओ देखो वड्डी बीबी सैन बुलान दे बहन। आवंज आवंज। बीबी सैन ते को अंदर सड़िया है, ओ आंदे हन जो उनको बुला, मैं ओदी मदद करे सो। आवंज बहुत चंगी बीबी है, आज नहीं मैं फिर आ जाऊंगी। नहीं नहीं, आ तो सही, मिल तो सही, दुआ को मिल सी तो तू सो खुश थी वैसो। आ जा आ जा आ जा आ जा, शाबाश आ जा। कुछ नहीं थींदा, तू देखी तो सही, साडी बीबी बहुत चंगी है। आज आ जा आ जा आ जा आ जा, तेरी सारी गाल सुन सुन। आज आ जा, शाबाश। ए बीबी सैन, ए कौन है तू? के काम है साई सिकंदर नाल? बोल दे क्यों नहीं? साहिल हूं, कुछ मदद चाहिए थी, मैं फिर आ जाऊंगी। रुक, गई कहां वो? बता कर नहीं गई है वो, कुछ दिन से उलझी उलझी सी, परेशान सी रहती है। दिल ज्यादा घबराए तो मजार पे जाने की जिद करती है, लेकिन आज तो बिना बताए कहीं चली गई है। तबीयत भी ठीक नहीं थी उसकी। तू उसे रोका क्यों नहीं? कहां तलाश करूंगा मैं उसे? आप परेशान ना हो साईं, आएगी ना तो उसे लेकर सीधा आपके घर ही आऊंगी। उस दिन माई ने तेको बुलाया था तो मैंने तुझे जिंदा जान दिया। उनकी लेना ही पैसा, तेरी जैसी औरतें पैसे के पीछे आती हैं। तेरा इन्ना मुंह पर देसा कि तेरी सात पुश्तों को फिर किसी शहदी लोड़ न रहसी। आप गलत समझ रही हैं,
मैं अपने लिए नहीं आई बल्कि उसकी खुशियों की भीख मांगने आई हूँ जिसको आप एक बार फिर इस हवेली का चमकता हुआ चांद बनाना चाहती हैं। किसने गल कर रही है? आपकी होने वाली बहू माही। खबरदार माही दा ना तेरी जबान ते आया तो मैं गद्दी चक्के च लैना है। जानती हूँ ऐसी शरीफजादियों के नाम बहुत मोहतरम होते हैं, खासतौर पर मेरे जैसियों के। मुझे तो उसकी किस्मत पर रश्क आता है जिसको आप इतना मान देती हैं। मान इज्जत उन लोगों को मिलसी जेड़े इज्जत मान दे काबिल हो सी। हुनो मेंडी तीए मेंडी ती। जानती हूँ क्या रिश्ता है आपका उससे। इसी हवेली में देख चुकी हूँ कितनी जान छिड़कती है वो आप पे। दिल तड़पता है उसका आपके लिए। तो फिर इतना करीब होने के बावजूद कभी आपने उसके दिल में झांक कर नहीं देखा? कहना की चाहनी है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप अनजाने में उसकी खुशियों की कातिल बनने जा रही हैं, जिसने एक बार नहीं दो बार इस ऊंची हवेली को जिंदगी बख्शी है। माई ने आप अपनी मर्जी नाल साई सिकंदर दे रिश्ते लिए हां कही थी। फिर को सिकंदर नहीं मिला तो नवी चाल चलने आ गई, पर तेरे चरित्र इथे ना चल सन। आप तो इंसान को अंदर से पहचानने का फन जानते हैं, तो फिर आपको इस मासूम लड़की का दर्द और आंसू नजर नहीं आए जब वो सिकंदर साई के लिए हाँ कह रही थी और मुझ जैसी एक बाजार वाली ने पल भर में देख लिया ये सब कुछ? मेरे को बेकारने की कोशिश ना कर। माई के दिल में ऐसी कोई गाल होती तो मेरे को जरूर दसती। वो कभी नहीं कहेगी। अपनी माँ बाप की इज्जत का ख्याल, रिश्तों का भरम आता है उसे रखना, उसके आप नहीं जानती उसे। हाँ मैं माई को भी जानती हूँ और तेरे जैसी औरतों को भी पहचानती। तेरे ये दाव मेंढे उतर न चल सन। ना आप मुझे जानती है ना आप उसे जानती है। अगर जानती होती तो माई की पलकों पे नमी की तहरीर पहले ही पड़ चुकी होती। आप मेरे को फलसफे ना सुना, सदी गाल कर। अगर मेरी बात का यकीन ना आए ना आपको तो जाइए, बड़ी दरगाह पर एक जवान मुजावर बैठा हुआ है, उससे जाकर मिल लें। सुना है वही माही को उम्र भर की खुशियों की दुआएं देकर गया यहां से, और उसके मिलने के बाद माही को बुलाइएगा अपने पास, उसकी आंखों में झांक कर देखिएगा, उसी जोगी की तस्वीर नजर आएगी आपको, और उस जोगी का जोग भी सारा माही के लिए ही है। वो दोनों मरते मर जाएंगे लेकिन अपना दर्द किसी के सामने जाहिर नहीं करेंगे। ये दो जिंदगियां बर्बाद होने से बचा लें आप, वरना आपको अपनी बहू और सिकंदर साई को अपने बच्चों की माँ तो मिल जाएगी लेकिन माही नामी एक लड़की कहीं खो जाएगी, जीते जी मर जाएगी वो। अब फैसला आपके हाथ में। आप माही को जीता हुआ देखना चाहती हैं या फिर Yeah.
तेरी हाथे फिच मैं मर जासा, मैनू इन्ना याद ना आया कर। अज मेरी हवेली च बहुत खुशी का दिन है, मेरे वड्डे पुत्र साई सिकंदर का घर फिर उसने आला है, ते मेरी लाडली मेरी हवेली की शहजादी मेरी नूह बन जासी। दुआ है कि इन्हें कभी किसी रकीब की नजर ना लगे, हमेशा शाद व आबाद रहें। उसकी आंखों में झांक कर देखिए, उसी जोगी की तस्वीर नजर आएगी आपको, और उस जोगी का जोग भी सारा माही के लिए ही है। वो दोनों मरते मर जाएंगे, लेकिन अपना दर्द किसी के सामने जाहिर नहीं करेंगे। ये दो जिंदगियां बर्बाद होने से बचा लें आप, वरना आपको अपनी बहू और सिकंदर साई को अपने बच्चों की मां तो मिल जाएगी, लेकिन माही नामी एक लड़की कहीं खो जाएगी। अब फैसला आपके हाथ में है, आप माही को जीता हुआ देखना चाहती हैं या फिर